नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल उत्कर्ष जर्नल के एक फ्रेश कमाल एपिसोड में। और मैं हूँ आज जयपुर में। जैसे कि आपको पता है, मैं अपोलो विक्ट्री सिनेमा के पास रह रहा हूँ। स्वास्तिक होटल नाम है इसका। एंड आपने पुराने ब्लॉग्स देख लिए होंगे मेरे, नहीं देखे तो यार देख लेना, नीचे आई बटन पर देख लूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा पुरानी वीडियोज़ का। तो यार आज हमारा है डे टू जयपुर में, और आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ के बाद एक है पन्ना मीना नाम का कुछ है, कुछ बाउली टाइप है। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं क्या कुछ मिलता है देखने को। दूर होगा नाहरगढ़ फोर्ट? नाहरगढ़ फोर्ट पड़ेगा आपको 32 किलोमीटर। यहाँ से 32 किलोमीटर आना जाना है। एक साइड 32 किलोमीटर भाई, 32 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है हमें पड़ रहा है यहाँ से नाहरगढ़। तो भाई ये रहा हमारा हवा महल, जो कि आप देखते हो मूवीज वगैरह में। तो यार आ गए यहाँ पे हम नाहरगढ़ के फोर्ट में, और काफी थक चुका हूँ मैं। मतलब कितनी ऊपर था मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, इनके हिसाब से तो 32 किलोमीटर था हमारे होटल से, बट आई एग्री लेस। मुझे लगता है 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। जयगढ़ फोर्ट के भी थोड़ा सा ऊपर सा है ये, एंड मैं एंट्रेंस कर चुका हूँ अंदर, और एंट्री फी है यहाँ पे एज यूजुअल। मैं लेजिट बताऊँ, हमने बहुत पैसे बचाए हैं, पता क्यों? हर जगह टिकट है भाई 100 रुपए की नॉर्मल बंदों के लिए, बट क्योंकि हम नाहरगढ़ में आए हैं, और क्योंकि हम अजमेर कह रहा हूँ, क्योंकि हम आमेर फोर्ट गए थे, और क्योंकि हम हर जगह गए थे, हमें देने पड़े मात्र 20 रुपए। क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी कार्ड है हमारे पास, स्टूडेंट है भाई, बीटेक के छात्र हैं हम। पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पे, कोई नहीं दोबारा देख लेंगे कैसा इंतजाम बनता है यहाँ पे। और शीश महल भी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा वैक्स म्यूजियम भी है, बट उसकी टिकट काफ़ी ज़्यादा आएगा, 100-300 रुपये की टिकट है। गाइड करना है, गाइड 200 रुपये बोल रहा है, नॉन नेगोशिएबल। मैंने बोला 100 रुपये देंगे, स्टूडेंट है हम, कहते नहीं। मैंने बोला ठीक है भाई, नहीं तो नहीं। देख सकते हो ये रहा मेरा पूरा फोर्ट, मेरा नहीं जिसने बनाया होगा, हूसोएवर इट मे कंसर्न। देख लो ये रहा फोर्ट कुछ, एंड लेट्स गो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री महादवेंद्र भवन लिखा हुआ है। टॉयलेट्स भी हैं वहाँ पे, अभी शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी टॉयलेट जाने की। भाई वॉशरूम चल लेते हैं ब्रो, वॉशरूम जाना है भाई मुझे, मैं बहुत पानी पी चुका हूँ यार। मैं 1 लीटर पानी पिया है, 1 लीटर पूरी बोतल खाली करी है, तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा यार। भाई बंदीरी बहुत ज़्यादा थे कि मेरा मन ही नहीं किया भाई जाने का। फिर वहाँ हमारे पास हाथ में इतना सारा सामान है भाई, गोरिल्ला पॉड है, हमारे हाथ में 2-3 माउंट्स हैं, फ़ोन है, फ़ोन चला गया तो गया, हम तो गए, हम घर कैसे जाएंगे? वो हमारे पीछे ही आ रहा है भाई, हमारे पीछे ही आ रहा है वो, देखो पीछे। अबे वो सच में हमारे पीछे आ रहा है, अबे वो जल्दी चल। वो देख रहा है हमें, वो भाई अभी सिक्योरिटी थ्रेट मिला है हमें कि जमीन पर नहीं टिकाना गोरिल्ला बोर्ड को। तो भाई मैं, मेरे को भी सख्त जाके बोली गई है कि जमीन पर नहीं टिकाना। ये भाई देखो हवा भी आ रही है, ये रानी और दासी के लिए, अच्छा ये बाथरूम है, ये बाथरूम है रानी और दासी। अच्छा ये विंडो देख रहा एकदम भाई, बिल्कुल ओल्ड क्लास। रतन प्रकाश पटरानी का, इसमें क्या रास्ता है भाई, आगे सीक्रेट रास्ता है राजा का, ये हाइट है हाइट। आइए सर इधर, रूम में भी नहीं था।
हाँ बोलो 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 बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये राजा ने क्यों बना के दिया है कि दासियां रानियों को डिस्टर्ब नहीं करती, जब बात करती थी दासियां तो रानी को करती, हाँ तो ये दीवार से बात किया करती। अरे भाई साहब, तो रानी कहती थी दासियों को कि दासियां आपने क्या बात करी मेरे को, कानों में आवाज नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। ये चूना और पत्थर का पैलेस बना हुआ है, देखिए आप, ये रास्ता रानी और दासियों का सीक्रेट और ये राजा का रास्ता। अब देखिए चीटी ने काट लिया हाथ पे। हाँ अब देखिए राजा यहाँ से चलता था भाई। जितने लोगों से हमने भी पूछ लिया है, लोग कहते हैं नारगढ़ फोर्ट है भूतिया हॉन्टेड कहा जाता है नारगढ़ फोर्ट को, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें झूठ है। सिर्फ भानगढ़ में कुछ ऐसा लोग कहते हैं कि हाँ वो हॉन्टेड है क्योंकि वहाँ पे कर्स है, बट यहाँ पे ऐसा सच जिससे भी पूछा हमने लोकल से, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फालतू की वीडियो मत बनाया करो, ठीक है, फालतू की झूठ वीडियो चाहिए नहीं है। और आपको तो पता ही है भाई, मैं हूँ सुपर एक्सपोजर, तो यहाँ व्लॉगिंग में भी सुपर एक्सपोज करेंगे सबको। नारगढ़ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है, रात को लोग रहते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग जीरो। चलो थैंक यू अंकल बहुत ज़्यादा बताने के लिए। तो यार हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, मैं ऐसे घूम रहे थे तो अंकल आए और उन्होंने हमें हेल्प करी, और क्योंकि ये लोकल है तो उनको सबको पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़। चलो भाई निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो मेरे मैं शायद दिखा नहीं पा रहा हूँ, शायद पेड़ से पता लग जाए। ये देखो आवाज़ सुन रहे हो भाई, मज़ा सा आ गया, देख रहे हो मौज मौज ले रहे हैं भाई हमारे। डर लग रहा था कि बंदर मुझे काट ना ले, तो मैं बंदर फोबिक हूँ, मंकी फोबिक, मैं इस मतलब हम ये भी कह सकते हैं मैं प्रथम फोबिक हूँ। कन्फेस करना चाहता हूँ, ठीक है, फोर्ट के बाहर ही कन्फेस करूँगा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, सह जाओ भाई, ये सिर्फ वीडियो मेरी है, ठीक है। तो भाई फोर्ट के सामने मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे कुछ ऐसे लोग थे जो पहले मेरे साथ रहे हैं, वो सब कहते हैं कि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ। तो यस आई एडमिट मैं भाई बहुत बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, सबको छोटा ही रहना चाहिए, जितनी भी खैर जितना भी आप ऊंचाइयों पर चल जाओ, अगर आपको छोटा ही रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, ज़मीन से रहना चाहिए। अब जो भी लोग कहते हैं भाई मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, भाई मैं हूँ, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे कोई व्यूज़ नहीं है, मेरा काम है सिर्फ कंटेंट बनाना, मैं कंटेंट बनाता रहूँगा और उसमें आप नहीं रोक सकते हो मुझे, ठीक है, फुल चैलेंज है, मैं कंटेंट बनाता रहूँगा, शायद आगे आने वाले टाइम पे मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। पर बड़ा यूट्यूबर बनने की भी कोई एक लिमिट नहीं होती, आपके पास कितने भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं, कितने भी आपके पास व्यूज़ हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हो, ये इन्फाइनाइट तक चलेगा। हाँ भाई मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, जितने भी लोग बोलते हैं ना मैं छोटा यूट्यूबर हूँ भाई हूँ, एडमिट, खुश अपना ईगो सेटिस्फाई कर लो आप खुश रहो। नहीं भाई नहीं मानूंगा भाई तेरी बात का बुरा मैं, पर मैं भाई एडमिट करता हूँ मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ये प्रथम नहीं कह रहा, मेरे को कुछ पास्ट में कुछ लोगों ने कहा था, कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है भाई। ऐसे भागते हुए निकल रहे हैं अभी हम, हमारे हाथ में कैमरा है और हमें बोला गया कि ये पीछे हमारे लग सकते हैं बंदर, फोन वोन झेल लेंगे दिक्कत हो जाएगी। अभी हम हेवन देखने जा रहे हैं, रोड टू हेवन, प्रथम आ जा भाई, पीछे रह जाता है मैं, आगे निकल जाता हूँ बार बार ही। ये एक व्यू पॉइंट सा है, भीड़ बहुत लगी हुई है वहाँ पे, बट चलते हैं देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। ये चीज दिखेगी भाई क्या तगड़ा है, यहीं से गोली रखते होंगे, चिक चिक मारते होंगे।